की इस वीडियो में हम लोग इस कार्डबोर्ड गन को बनाने वाले हैं। जैसे कि आप लोगों ने स्टार्टिंग में देखा, ये कितना ज्यादा पावरफुल है, कितना ज्यादा मजेदार है। दोस्तों इसको मैंने सिर्फ और सिर्फ कार्डबोर्ड की मदद से बनाया, जो कि आप लोग भी अभी अपने घर पर इजिली बना सकते हो। दोस्तों इसके साथ खेलने में आप लोग को बहुत ही ज्यादा मजा आएगा। तो दोस्तों बिना किसी तरीके वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। 100 के हम लोग बहुत ही करीब आ चुके हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों हमारे गन को बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर मैंने एक पेपर के ऊपर कुछ इस तरह से गन का डिजाइन ड्रॉ किया है। तो दोस्तों इसको हम लोग कुछ इस तरह से कार्डबोर्ड के ऊपर कुछ इस तरह से फेविकॉल की मदद से चिपका देंगे और इसको हम लोग कट कर लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, मैंने कुछ इस तरह से यहाँ पर इसको कट कर लिया है। तो दोस्तों इसको कट करने के बाद हमें इसके दो पीसेस की जरूरत पड़ेगी। जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, मैंने दो पीसेस यहाँ पर कट कर लिए है। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर कुछ इस तरह के कार्डबोर्ड के पट्टी को लिया है। तो दोस्तों इसको हम लोग कुछ इस तरह से यहाँ पर इसको चिपकाएंगे। तो दोस्तों इसको मैं फेविक्विक की मदद से चिपकाऊंगा। तो चलिए पहले मैं इसको चिपका लेता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, मैंने कुछ इस तरह से इसको चिपका दिया है। तो दोस्तों अब हम लोग का जो दूसरा वाला पीस है, जैसे कि अगर आप लोग देख सकते हैं, तो दोस्तों इस पीस को भी हम लोग कुछ इस तरह से इसके दूसरे वाले साइड में चिपकाएंगे। दोस्तों आपको बीच को मतलब गैप को मतलब ये दोनों तरह से चिपकाना नहीं है, बीच में आप लोग को जगह छोड़ देना है कुछ इस तरह से, जैसा कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। तो दोस्तों इसको इस तरह से चिपकाने के बाद अब मैंने यहाँ पर एक और पट्टी ले लिया। दोस्तों हम लोग कुछ इस तरह से इसको भी चिपका देंगे। दोस्तों कुल मिलाकर हम लोग इसको चारों तरफ से कुछ इस तरह से पैक कर देंगे। तो चलिए हम लोग सभी को फेविक्विक की मदद से चिपका लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसके पीछे वाले साइड को भी चिपका दिया। अब दोस्तों इसके इस वाले साइड को भी हम लोग चिपका देंगे। तो चलिए पहले जल्दी से जल्दी पहले मैं सभी को चिपका लेता हूँ, फिर मैं आप लोग को आगे दिखाता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने इसको भी चिपका दिया है। अब हम लोग का जो लास्ट वाला ये वाला पार्ट बचा है, हम लोग इसको भी चिपका देंगे। तो यहाँ पर मैंने एक और कार्डबोर्ड ले लिया है, इसको भी यहाँ पर मैं कुछ इस तरह से फेविक्विक की मदद से चिपका दूंगा। तो दोस्तों सभी को चिपकाने के बाद ये हमारा कुछ इस तरह से दिखेगा, जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। तो दोस्तों अब मैंने यहाँ पर कुछ इस तरह के एक ब्लू कलर के पेपर को ले लिया। दोस्तों इसकी जगह पर आप नॉर्मल व्हाइट पेपर का भी यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर इसको मैं एक पेन की मदद से कुछ इस तरह से एक रोल बना लूँगा और इसका ये जो होल है ये आप लोग का क्लियर होना चाहिए कुछ इस तरह से। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने एक और पेपर ले लिया। तो दोस्तों इसको भी हम लोग रोल करेंगे, बट हम लोगों ने जो पहले रोल किया था उससे हम लोग का ये वाला थोड़ा पतला होना चाहिए। तो चलिए पहले मैं इसको भी रोल कर लेता हूँ, फिर मैं आप लोग को आगे दिखाता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, मैंने कुछ इस तरह से इसको फोल्ड किया है। तो दोस्तों ये इतना पतला होना चाहिए कि ये जो दूसरे वाले रोल के अंदर ये इजीली इस तरह से आ जा सके। तो दोस्तों यहाँ पर अब हम लोग अपने यहाँ पर जो इस वाले पतले वाले रोल को हम लोगों ने बनाया था उसके बिल्कुल एकदम साइड में हम लोग कुछ इस तरह से इसको थोड़ा सा मोड़ लेंगे और इसको हम लोग धागे की मदद से बांध देंगे। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, मैंने कुछ इस तरह से इसको मोड़ के इसको यहाँ पर इसको धागे से बांध दिया है। तो दोस्तों अब हम लोग अपने गन को लेंगे। ये जो मोटा वाला जो हम लोगों ने रोल बनाया था इसको हम लोग बिल्कुल इसका आगे वाले साइड में कुछ इस तरह से फेविक्विक मदद से चिपका देंगे। इसको चिपकाने के बाद ये हम लोग को कुछ इस तरह से दिखेगा। तो दोस्तों अब हम लोग अपने पतले वाले रोल को लेंगे और यहाँ पर मैंने एक रबर बैंड ले लिया। इस रबर बैंड को हम लोग पर फेविक्विक की मदद से चिपका देंगे। जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, मैंने इसको चिपका दिया। तो दोस्तों इसको चिपकाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, अपना गन को लेंगे और इसका जो ये मोटा वाला रोल है हम लोग कुछ इस तरह से इस पतले वाले को कुछ इस तरह से इसके अंदर डाल देंगे। इस तरह से डालने के बाद ये जो रबर बैंड है इसके आगे में हम लोग कुछ इस तरह से यहाँ पर इसको फंसा देंगे। इस तरह से इसको फंसाने के बाद ये हम लोग का जो गन है ये वाला पतला यहाँ पर फंस जाएगा। दोस्तों यहाँ पर ये फंस नहीं रहा था इसीलिए मुझे यहाँ पर थोड़ा सा इसको निकालना पड़ा। तो दोस्तों अब ये हम लोग का ईजिली कुछ इस तरह से फंस जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर इसको इस तरह से फंसाने के बाद आपको अपने उंगली से कुछ इस तरह से इसको थोड़ा सा ऊपर की ओर पुश करना है। तो ये हम लोग को कुछ इस तरह से चलने लगेगा। तो चलिए दोस्तों हम लोग का गन तो बन के रेडी हो चुका है। अब हम लोग इसको थोड़ा सा डिज़ाइन देंगे। तो यहाँ पर मैंने एक कार्डबोर्ड ले लिया जो मुड़ने वाला होता है, मैंने इसको एक लेयर को उठा दिया तो ये इस तरह से दिख रहा है। तो दोस्तों हम लोग कुछ इस तरह से इसको फेविकॉल की मदद से चिपका देंगे। इस तरह से इसको चिपकाने के बाद ये कुछ इस तरह से दिखेगा। अब इसके इधर उधर हम लोग कुछ कुछ डिज़ाइन दे देंगे तो ये दिखने में अच्छा लगेगा। जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते, मैंने यहाँ पर कुछ इस तरह से कार्डबोर्ड को चिपका दिया है। तो दोस्तों अब मैंने यहाँ पर एक और उसी तरह के कार्डबोर्ड के ले लिया और इसका हम लोग नीचे वाला साइड में कुछ इस तरह से चिपका देंगे और इसका जो एक्स्ट्रा पार्ट है हम लोग इसको कट कर देंगे। तो दोस्तों यहाँ पर इसको अच्छी तरह से चिपकाने के बाद हम लोग का ये जो गन है ये कुछ इस तरह से बन के रेडी हो जाएगा, जैसा कि यहाँ पर आप लोग देख सकते। तो दोस्तों अब हम लोग कुछ इस तरह से इसको बनाने के बाद यहाँ पर इसका जो एक हैंडल जैसा होता है हम लोग उसको भी लगा देंगे। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, इसको मैंने कार्डबोर्ड की मदद से कुछ इस तरह से इसको भी यहाँ पर लगा दिया। तो दोस्तों हम लोग का जो गन है ये बन के रेडी हो चुका है। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग इसके बुलेट को भी बना लेते हैं। दोस्तों इसको बुलेट का बनाने के लिए यहाँ पर मैंने एक और पतले से पट्टी ले लिया। दोस्तों ये पेपर का पट्टी है और इसको हम लोग कुछ इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। इसको हम लोग फेविक्विक की मदद से चिपका के इसको थोड़ा कुछ इस तरह से हार्ड कर लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने चार बुलेट बना लिया है, हम लोग का बन के रेडी हो चुका है। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग इसको टेस्ट करके देखते हैं।